हाउ टू डिलीट रोज फ्रॉम डाटाबेस टेबल। तो आज के इस वीडियो में हम डाटाबेस टेबल में से क्या कुछ रोज डिलीट करने वाले और क्या हम बोल सकते हैं उसे रोज को क्या रिकॉर्ड्स डिलीट करने वाले, तो इस तरह से। तो मैंने क्या ओरेकल डाटाबेस यूज करने वाला हूँ। तो मेरे ओरेकल डाटाबेस में एम्प्लॉय नाम का टेबल है और इस एम्प्लॉय नाम के टेबल में चार फील्ड है, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी एंड एम्प्लॉय एड्रेस। तो मैंने कुछ रिकॉर्ड्स ऑलरेडी इंसर्ट किया हुआ है मेरे एम्प्लॉय नाम के टेबल में। तो 7 रिकॉर्ड्स है, दैट इज 7 रिकॉर्ड्स के ये और 7 एम्प्लॉय इंसर्ट किए। तो एम्प्लॉय नंबर 112, एम्प्लॉय नंबर 77। तो अभी मुझे क्या करना है, ये जो एम्प्लॉय नाम का टेबल है इसमें से कुछ रिकॉर्ड डिलीट करना है, लेकिन उसके लिए क्या मुझे फायर करना पड़ेगा, क्वेरी फायर करना पड़ेगा। तो क्वेरी है इस तरह से, तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई सैल लेस देन 10,000। मतलब इस क्वेरी का क्या, वही एम्प्लॉय डिलीट होना चाहिए जिनकी सैलरी क्या है लेस देन 10,000 है। तो यहाँ पे किन किन एम्प्लॉय की सैलरी लेस देन 10,000 है, एम्प्लॉय नंबर 111 की, देखिए एम्प्लॉय नंबर 222, एम्प्लॉय नंबर 333, एम्प्लॉय नंबर 444 और एम्प्लॉय नंबर 555 और एम्प्लॉय नंबर 66 नहीं डिलीट हो सकता क्योंकि नहीं क्या लेस देन 10,000 के इक्वल टू नहीं है, तो ये नहीं क्या डिलीट होना चाहिए। जैसे हम क्वेरी फायर करते हैं तो इतना नहीं क्या एम्प्लॉय नंबर 112, एम्प्लॉय नंबर 555 ये रिकॉर्ड क्या होना चाहिए, डिलीट होना चाहिए। तो जैसे डिलीट हो जाता है तो हमारा क्या क्वेरी फायर होने के बाद तो हमारे एम्प्लॉय टेबल में दो ही रिकॉर्ड रह जाएंगे, एम्प्लॉय नंबर 66 एंड एम्प्लॉय नंबर 777। तो देखिए तो कैसे परफॉर्म करते हैं, तो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ इक्लिप्स आईडी। यहाँ पर हमने इक्लिप्स आईडी कर लिए, देन फाइल न्यू, देन यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए जावा प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नाम लेते हैं रिकॉर्ड डिलीट, डिलीशन कर देंगे, ठीक है डिलीशन। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, देन क्लिक ऑन फिनिश बटन। तो फिनिश बटन पे क्लिक, तो जैसे हम करते हैं हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, लेकिन हम ओरेकल डाटाबेस से कनेक्ट करने वाले हैं इसलिए प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक कीजिए, देन प्रॉपर्टीज, देन जावा बिल्ड पाथ। और जावा बिल्ड पाथ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नहीं क्या लाइब्रेरीज में क्लास पाथ पे और एड एक्सटर्नल जार फाइल, तो मैं यहाँ पे ODBC/jar फाइल अवेलेबल करता हूँ, देन अप्लाई एंड क्लोज। तो जैसे मैं यहाँ पे नहीं क्या देखिए मेरे प्रोजेक्ट में नहीं क्या ये जार फाइल क्या ऐड हो गई है, ठीक है। अभी क्या करना है, SRC पे राइट क्लिक कीजिए, देन न्यू और मैं यहाँ पे सिलेक्ट करना हो क्लास। तो क्लास नेम देने से पहले हम पैकेज नेम प्रोवाइड करते हैं com.uttamsoft.jdbc और क्लास नेम प्रोवाइड करते हैं JDBC डिलीशन करें, JDBC डिलीट करके हम क्लास नेम प्रोवाइड कर देते हैं। देन आई रिक्वायर्ड क्या मेन मेथड, चेक इट एंड देन फिनिश। इस तरह से हमारा क्या हो गया क्लास क्रिएट हो गया। तो देखते हैं कैसे करते हैं, तो ये हमारा नहीं कि क्या हो गया मेन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कुछ नहीं किया, डिक्लेयर कर लेते हैं डिक्लेरेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऐसे कर देते हैं डिक्लेरेशन ऑफ रिसोर्सेज करके मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ रिसोर्सेज। तो क्या क्या डिक्लेरेशन करने वाला, तो मुझे नहीं क्या कनेक्शन का ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होगा, कनेक्शन तो ये भी डिक्लेयर कर लेते हैं। तो कनेक्शन कॉन इक्वल टू नल सेमी कोलन, देन आई रिक्वायर्ड स्टेटमेंट का भी ऑब्जेक्ट लगेगा, तो स्टेटमेंट ST इक्वल टू नल सेमी कोलन। और उसके बाद हमने क्या स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, स्कैनर इक्वल टू नल, इस तरह से हमने एक तीनों को क्या कर दिया डिक्लेयर कर दिया। नेक्स्ट, तो JDBC कोड ने क्या एक्सेप्शन राइज कर सकता है, इसलिए मैंने क्या यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक करने वाला हूँ, ट्राई कैच ब्लॉक, देन आई ऑल्सो रिक्वायर्ड अ फाइनली ब्लॉक, फाइनली ब्लॉक, तो इस तरह से हमने कर लिया। तो देखिए अभी ट्राई कैच ब्लॉक में क्या करते हैं, तो फर्स्टली अगर हमें डाटाबेस से कम्युनिकेट करना है तो फर्स्ट स्टेप क्या होते हैं, लोड एंड रजिस्टर द ड्राइवर, मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। तो कैसे करते हैं हम लोड ड्राइवर, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा क्लास डॉट फॉरनेम मेथड कॉल करने के लिए, और यहाँ पे नहीं क्या पास करना पड़ेगा फुल्ली क्वालिफाइड नेम ऑफ द ड्राइवर। तो मैंने क्या ओरेकल डाटाबेस से कम्युनिकेट करने वाला हूँ, ओरेकल JDBC नेम पर, उसके बाद क्या करना है ओरेकल ड्राइवर, तो ये हो गया हमारा ड्राइवर पाथ। देन सेकंड स्टेप क्या होती है, इस्टेब्लिश द कनेक्शन बिटवीन डाटाबेस, इस्टेब्लिश द कनेक्शन बिटवीन डाटाबेस जावा एप्लीकेशन एंड डाटाबेस, इस तरह से हमारा सेकंड। तो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट कैसे अचीव करेंगे, तो हमारे पास कौन कनेक्शन का क्या कौन रेफरेंस है, तो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ड्राइवर मैनेजर पे कौन सी मेथड कॉल करनी है, गेट कनेक्शन मेथड कॉल करनी है, तो यहाँ पर हमने गेट कनेक्शन, तो इस तरह से हमने कर लिया। देन उसके बाद हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा URL, तो यहाँ पे मैंने कहा JDBC colon, देन ओरेकल कोलन
उसके बाद लेके थीम कोलन एट द रेट लोकल होस्ट कोलन 1521 कोलन यक्सी, ये हमारा हो गया क्या फर्स्ट पैरामीटर, मतलब क्या है JDBC कोलन ओरेकल कोलन थीम कोलन एट द रेट लोकल होस्ट 1521 यक्सी। तो यहाँ पे 1521 क्या है, मैंने जब ने क्या ओरेकल डाटाबेस इंस्टॉल किया था तो ये पोर्ट नंबर प्रोवाइड किया था, तो आपने जो प्रोवाइड किया होगा वो पास कर। देन मेरे का जब मैंने क्या ओरेकल डाटाबेस इंस्टॉल किया था तो उसमें मैंने क्या यूजर नेम क्या प्रोवाइड किया था 60 और पासवर्ड सेट किया था उत्तम। तो ये हो गया हमारा कनेक्शन का ऑब्जेक्ट, हमें अभी मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा थर्ड स्टेप होता है मतलब स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट। देखिए तो डबल कोट लेते हैं, डबल कोट यहाँ पे जो हो गया। नेक्स्ट चले तो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। तो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, ST इज इक्वल टू कनेक्शन पे ऑब्जेक्ट पे कौन सी मेथड कॉल करनी पड़ेगी, क्रिएट स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट नहीं क्या मैं अभी क्या करने वाला हूँ, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला हूँ, स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर इस तरह से, और यहाँ पे हम पास करेंगे सिस्टम डॉट, ये हो गया हमारा स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट। और हमें नहीं क्या एक डायनामिक इनपुट लेना है इसे यूजर से क्या किनका नहीं क्या होना चाहिए, मतलब हमें क्या है सैलरी रेंज क्या होनी चाहिए जिनकी नहीं क्या डाटा डिलीट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे नहीं क्या यूजर डिपेंड करने वाला हूँ, तो यहाँ पे नहीं एक मैसेज पास कर देता हूँ सैलरी रेंज। ओके, देन ये हो जाने के बाद मैं यहाँ पे कर लेता हूँ क्या फ्लोट वेरिएबल ले लेते हैं और सैल रेंज करके एक नहीं क्या वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, ये क्यों लिया आपको बताएंगे हम, स्कैनर डॉट क्या नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट फ्लोट। ओके, तो देखिए हमें क्या करना है, जिस तरह से मैंने लेस देन 10,000 बोला था ना कि जिनकी सैलरी लेस देन 10,000 है वो डिलीट होना चाहिए, वो एम्प्लॉय डिलीट होना चाहिए, तो हमने क्या सैलरी रेंज नहीं क्या हम यहाँ पे क्या डायनामिकली प्रोवाइड करेंगे, तो इस सैलरी रेंज में वेरिएबल में आ जाएगा जो नहीं कि यूजर प्रोवाइड करेंगे। अगर उसने 5,000 नहीं क्या पास कर दिया तो 5,000 से लेस क्या सभी एम्प्लॉय का क्या डिलीट होना चाहिए, रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए। अभी हम ये क्या डायनामिकली लेने वाले, इसलिए क्या हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। देन उसके बाद हमें क्या करना है, हमें करना पड़ेगा कि क्वेरी फायर करनी पड़ेगी। तो मैं क्वेरी कैसे फायर करता हूँ, इंट देखिए रो काउंट करके एक वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पे हम क्वेरी फायर करने वाले हैं, तो क्वेरी कैसे फायर करते हैं देखिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट पे एग्जीक्यूट अपडेट नहीं क्या क्या मेथड कॉल करनी पड़ेगा। देखिए मैंने नहीं क्या स्टेटमेंट पे ऑब्जेक्ट पे एग्जीक्यूट अपडेट मेथड कॉल किया, इस एग्जीक्यूट अपडेट मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, इंट टाइप है, इसलिए नहीं कि मैंने यहाँ पे रो काउंट वेरिएबल ले लिया। मतलब ये मेथड क्या करता है, जितने भी रोज नहीं क्या अपडेट होता है मतलब डिलीट होता है इस रो काउंट वेरिएबल में आ जाएगा, तो मैं उससे समझ में आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पे मैं क्वेरी फायर करने वाला हूँ क्या डिलीट, ओके डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ओके एम्प्लॉय वेयर ई सेल, ठीक है वेयर ई सेल लेस देन क्या होना चाहिए सेल रेंज करके वेरिएबल होना चाहिए सेल रेंज। इस तरह से हमने क्वेरी फायर कर ली, देन यहाँ पे सेव कर, मतलब जो भी नहीं कि सैलरी रेंज 10,000 प्रोवाइड करेंगे ना तो 10,000 यहाँ पे आ जाएगा, उससे नहीं क्या लेस देन वाले हमारे क्या सभी एम्प्लॉय डिलीट होने वाले, तो क्या डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर इज सेल लेस देन सेल रेंज। तो इस तरह से नेक्स्ट हमें नहीं क्या करना है, एक मैसेज आना चाहिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटेड करके, यहाँ पे क्या मैसेज प्रोवाइड करते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिलीटेड करके मैसेज प्रोवाइड करते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिलीटेड, तो कितने डिलीटेड है, तो ये जो नहीं क्या कौन से वेरिएबल में आ जाएंगे रो काउंट में, जितने भी डिलीट होंगे वो तो यहाँ पे हमने कॉन्कैटेनेशन कर देंगे प्लस और रो काउंट इस तरह से। ओके तो हो गया हमारा प्रोग्राम, फिर हमें क्या करना पड़ेगा कैचे ब्लॉक में पी डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस में था सिमिलरली हमें क्या करना पड़ेगा कनेक्शन क्लोज करना पड़ेगा, तो फाइनल ब्लॉक में करेंगे ट्राई कैच लिया, तो यहाँ पे क्या करते हैं स्टेटमेंट इतना तो यहाँ पे एक्सेप्शन, ओके देन यहाँ पे हमें ट्राई ब्लॉक में करना पड़ेगा एसटी डॉट क्लोज, ओके देन स्कैनर को भी क्लोज कर दीजिए जो कि आपने इनपुट ओपन किया था डॉट क्लोज, एंड देन लास्टली क्या कर दीजिए कॉल डॉट क्लोज।
तो इस तरह से हमने क्लोज कर दिया, कनेक्शन भी क्लोज कर दिया। और अगर कोई एक्सेप्शन राइज होता है प्रिंट होने के लिए e2.printStackTrace लेता, इस तरह से हमारा प्रोग्राम। लेकिन दोस्तों ये प्रोग्राम रन करने से पहले मैंने क्या मेरा ओरेकल डाटाबेस शो कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कर लिया SQL प्लस देन ने क्या मेरा ओरेकल डाटाबेस का इधर में सिस्टम और पासवर्ड है उत्तम। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको टेबल शो कर देता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके ये हो गया हमारा एम्प्लॉय टेबल। ये जो एम्प्लॉय टेबल है ना देखिए यहाँ पे 7 रिकॉर्ड्स है। एम्प्लॉय नंबर वन उनके कितने 5000 सैलरी, 6000, 7000, 8000, 9000। तो अभी हमें क्या लेस देन 10,000 से भी डिलीट होना चाहिए ऐसा हमारा रिक्वायरमेंट है। मेरे सैलरी रेंज पास करूंगा 10,000। अभी देखिए मैं प्रोग्राम रन कर लेता हूँ। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया, इसे सेव कर लीजिए। देन यहाँ पे क्या पूछ रहा है मेरे सैलरी रेंज, किस सैलरी रेंज से डिलीट होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 10,000 से लेस। ओके देन मैं एंटर कर लेता हूँ। तो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिलीटेड और यहाँ पे 5 आ रहा है। ठीक है 5 आ रहा है, तो मैंने एक बार स्पेस नहीं दिया था इसलिए वो हो गया। तो देखिए 5, तो यहाँ पे 5 आ रहा है। तो देखिए मैं ओरेकल डाटाबेस ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे क्वेरी फायर कर देता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहाँ पे हमारे एम्प्लॉय टेबल में कितने एम्प्लॉय रह गए, 2। ठीक है, तो यहाँ हमें 7 एम्प्लॉय थे उसमें से 5 एम्प्लॉय क्या हो गए, डिलीट हो गए। ओके ये जो 5 एम्प्लॉय है ना, तो एम्प्लॉय नंबर 112, एम्प्लॉय नंबर 555। इस तरह से हमारे 5 रिकॉर्ड आप कह सकते हैं या रो कह सकते हैं और एम्प्लॉय कह सकते हैं। एम्प्लॉय टेबल है तो एम्प्लॉय साइड किया था मैंने, एम्प्लॉय डिलीट हो गया करके बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 ही एम्प्लॉय रह गए। इस तरह से हमने क्या डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग JDBC एप्लीकेशन। तो ये हमारा प्रोसेस है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अलग पढ़ेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।